दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि वेल्डिंग कैसे करते हैं प्रॉपर सही तरीके से। और एक नए सीखने वालों के लिए दोस्तों ये वीडियो है हमारी आज के। आसान भाषा में दोस्तों आपको वेल्डिंग करना सिखाऊंगा। बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वेल्डिंग करने के लिए सबसे हमें कुछ चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें दोस्तों अपने पैरों में शूज पहन लेने होते हैं और हाथों में दस्ताने लगा लेने होते हैं। दोस्तों हमने नहीं लगाया है, आप लगा लेना जब वेल्डिंग करना, तो आप दस्ताने लगा लेना। इस प्रकार के दोस्तों आपको स्क्रीन का यूज करना है ताकि आपके आँख में दोस्तों लाइट ना लगे। तो ये चीज़ हो गए। अब दोस्तों आपको बताते हैं, ये वाला है दोस्तों हमारे पास, ये वेल्डिंग होल्डर है। इसमें दोस्तों बहुत सारे स्लॉटें दिए हुए हैं वेल्डिंग रॉड को लगाने के लिए। तो आप इसमें दोस्तों इस प्रकार से रॉड को लगा सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप वेल्डिंग रॉड को यहाँ पर लगा के और वेल्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये आपने देख लिया कि रॉड ऐसे लगते हैं और होल्डर दोस्तों इस प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें अर्थिंग लगाना होता है। दोस्त है, एक में हमने लीड कनेक्ट किया है, जो हमारे होल्डर है वो वाला यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है, और ये वाला दोस्तों हमने अर्थिंग के लिए यूज किया है। और यूज करके एक लोहे के दोस्तों पत्ती रख के और इस पर रख के वेल्डिंग हम लोग इस प्रकार से करते हैं। वहीं अगर दोस्तों बात करें करंट रंच की, तो दोस्तों जो 10 नंबर के रॉड आते हैं उसमें दोस्तों हमें 80 से 120 चलाने होते हैं। तो दोस्तों जो वेल्डर होते हैं वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। कई बार रॉड का दिक्कत होने के कारण थोड़ा करंट ज़्यादा रखना पड़ता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं हमारा 275 एम्पियर पर सेट है, और यहाँ से दोस्तों हमारे वेल्डिंग मशीन ऑफ हो जाएगी और यहाँ से ऑन होगी। तो इस प्रकार से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने वेल्डिंग को। ये हमारा डबल फेस का वेल्डिंग मशीन है, बड़ा सा वेल्डिंग मशीन है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ हमने एक लीड कनेक्ट कर दिया, एक अर्थिंग कर दिया, और करने के बाद यहाँ अब आपको वेल्डिंग करके दिखाते हैं। टाँका मारना भी आपको दिखाऊंगा इसमें, और लेयर लगाना भी, कि कैसे टाँका मारते हैं और कैसे लेयर लगाते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों कभी भी वेल्डिंग करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। अपने पैरों में जूते ज़रूर पहनने हैं, नहीं तो दोस्तों इससे चिंगारी उड़ता है और चिंगारी उड़ के हाथ वो जल जाते हैं। तो आपको पैरों में जूते पहन लेने हैं, हाथ में दस्ताने लगा लेने हैं और आँखों में चश्मे भी लगा लेने हैं। अगर आपके पास चश्मा नहीं है तो इस प्रकार की आप स्क्रीन यूज कर सकते हैं ताकि आपके आँख में धुआँ और लाइट ना लगे। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा, सबसे पहले हम इसको दोस्तों झाड़ के दिखाएंगे। जैसे हमने पहले आपको दिखाया कि देखिए हमने वेल्डिंग से इसको कटिंग किया, अब इसमें दोस्तों और थोड़ा सा आपको कटिंग करके दिखाएंगे, फिर टाँका मारना बताएंगे और लेयर लगाना। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों वेल्डिंग करना। दोस्तों हमें वेल्डिंग रॉड को लगाने के लिए इसमें इस प्रकार से दोस्तों वेल्डिंग रॉड लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा वेल्डिंग रॉड लग गया। साथ ही दोस्तों वेल्डिंग रॉड बहुत तरह के होते हैं, 10 नंबर भी होते हैं, 8 नंबर भी होते हैं, 6 नंबर भी होते हैं। तो हमारे पास दोस्तों ये वाला 10 नंबर रॉड है, ये वाला 8 नंबर रॉड है। जो 10 नंबर रॉड होती है वो थोड़ा पतली होती है, और 8 नंबर रॉड थोड़ा मोटी और लंबी होती है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इनका क्या साइज़ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको यहाँ 10 नंबर रॉड से करके दिखाएंगे। ये हमारे पास 10 नंबर रॉड है, तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अपने कम्फर्ट के मुताबिक दोस्तों हम इसमें रॉड को लगाएंगे। लगाने के बाद दोस्तों जब आप टाँका मारेंगे तो किस प्रकार से टाँका मारेंगे, सबसे पहले अपने रॉड को थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। तो देखिए हमने इस प्रकार से रॉड को साफ़ कर लिया, और टाँका मारने के लिए दोस्तों इस प्रकार से टाँका मारेंगे। इस प्रकार से दोस्तों टांका मारते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और लेयर लगाने के लिए क्या करेंगे, लेयर लगाने के लिए दोस्तों हमारे हाथ रुकने नहीं चाहिए, लंबी एकदम चली आना चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से दोस्तों हम लेयर लगाते हैं। अब मान के चले कि आपको वेल्डिंग से किसी चीज़ को झाड़ना है। दोस्तों वेल्डिंग से किसी चीज़ को कटिंग करने के लिए हमें बहुत बार ज़रूरत पड़ते हैं कि वेल्डिंग से काटना पड़ता है, ग्राइंडर नहीं चलते हैं। तो वेल्डिंग से काटने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आप करंट को दोस्तों एकदम हाई पर सेट कर देंगे, जैसे 300 एम्पियर पर सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद कुछ इस प्रकार से कटिंग करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमने वेल्डिंग से इसको कटिंग कर दिया,
जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों काटिंग करते हैं, थोड़ा सा करंट ज़्यादा बढ़ा के और फिर हमें काट लेने होते हैं वेल्डिंग से, क्योंकि इसमें दोस्तों फिनिशिंग से तो कटता नहीं है। कटिंग करने के लिए दोस्तों हम इस प्रकार से कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर रॉड को रखने होते हैं और रखते रखते गलते गलते दोस्तों ये हमारा पूरा मेल्ट होकर कट जाता है और कट के गिर जाता है, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप कटिंग कर सकते हैं और ऐसे हल्के हल्के दोस्तों आप टाँका मार सकते हैं। और आप हल्के हल्के दोस्तों ऐसे टाँका मार सकते हैं, तो इस प्रकार से टाँका मारा जाता है। और लेयर लगाने के लिए मैंने आपको बताया कि लेयर रॉड उठती नहीं है, सीधा लंबी आपको खींचना है लेयर लगाने के लिए। इस प्रकार से दोस्तों लेयर हम लोग लगाते हैं। सो गाइस, आई होप कि हमारे वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और अपने इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट होगा आपके मन में, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।